Hello, myself Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College, Sikar. Students, today we are going to study about components of NI, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं. आज हम इन विभिन्न अवधारणाओं को समीकरणों के रूप में पढ़ेंगे. हम शुरुआत करते हैं जीएनपी से. जीएनपी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई आई गोइंग वन टू एन. जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन. सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र में एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का योग जीएनपी कहलाता है, और जिसे इक्वेशन के रूप में हमने यहाँ लिखा है सिग्मा एक्स आई पी आई आई गोइंग वन टू एन. ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इसे यदि हमें ज्ञात करना है और हमारे पास में अगर दो वैल्यूज पहले से दी गई हैं, और वो दो वैल्यूज हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएफआईए. जीडीपी एट मार्केट प्राइस मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन. यदि हमारे पास बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन के आंकड़े और साथ ही साथ एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अर्थात विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधनगत आय के आंकड़े यदि दिए हुए हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ करके हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मान ज्ञात कर सकते हैं. ध्यान दीजिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस को ज्ञात करने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनएफआईए की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है. इसी प्रकार यदि हमारे पास में जीएनपी एट मार्केट प्राइस के और एनएफआईए के डाटा दिए हुए होते हैं, तो इन दोनों की सहायता से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को भी ज्ञात कर सकते हैं. और ऐसा करने के लिए हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएफआईए करना होगा, अर्थात मार्केट प्राइस की जीएनपी में से एनएफआईए को माइनस करना होगा, घटाना होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस. यदि हमारे पास में जीएनपी एट मार्केट प्राइस के डेटा दिए हुए हैं और हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो ऐसा करने के लिए हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से सीसीए को माइनस कर देते हैं. सीसीए, सीसीए मीन्स कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस में एक साथ में तीन चीजें शामिल की जाती हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डेप्रिसिएशन प्लस वैल्यू ऑफ डिस्ट्रॉयड इक्विपमेंट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन तीनों का टोटल करके और फिर उसे जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है, जो शेष बचता है वह एनएनपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है. इसी प्रकार एनडीपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास यदि सकल घरेलू उत्पाद जो कि बाजार कीमतों पर दिया हुआ है, यदि हमारे पास इसके आंकड़े अवेलेबल हैं, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से सीसीए को घटा करके एनडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं. ध्यान दीजिए, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस सीसीए. इसी तरह अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है और हमारे पास में एनएनपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू दी हुई है, तो हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट आईटी को घटाकर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं. अब ये नेट आईटी क्या है? नेट आईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. इसके बाद जो वैल्यू बच जाती है, उस वैल्यू को एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है, और जो शेष बचता है वही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है. एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट दिस इज अवर एनआई, अर्थात एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है. एनआई इज अर्न्ड, नेशनल इनकम इज अर्न्ड, अर्थात राष्ट्रीय आय जो है वह अर्जित की जाती है. एंड पर्सनल इनकम इज रिसीव्ड, और व्यक्तिगत आय प्राप्त की जाती है, वैयक्तिक आय को प्राप्त किया जाता है. अब वैयक्तिक आय किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, इसके लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा कि जिस राष्ट्रीय आय को हमने अर्जित किया है, प्राप्त किया है जिस राष्ट्रीय आय को, उस अर्जित की गई राष्ट्रीय आय में से कुछ मदों को हमें घटाना पड़ता है और कुछ मदों को हमें जोड़ देना पड़ता है. वे चीजें जो व्यक्ति आज कमा रहा है परंतु प्राप्त नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए कि वह चीज जो आज कमा रहा है परंतु प्राप्त नहीं कर रहा है, उन मदों को माइनस कर दिया जाता है, और आज कमा नहीं रहा है परंतु प्राप्त कर रहा है उन मदों को जोड़ दिया जाता है राष्ट्रीय आय में से. ऐसा करने पर जो मानफल या शेषफल हमें प्राप्त होता है वही मान पीआई अर्थात पर्सनल इनकम के नाम से जाना जाता है. अब ध्यान दीजिए कि किन चीजों को हमें एनआई में जोड़ना है और किन चीजों को हमें एनआई में से घटाना है. हम सबसे पहले उन चीजों को शामिल करते हैं, उन मदों को ले लेते हैं जिन्हें एनआई में से माइनस किया जाना है. इसको मैंने ए बी सी डी पॉइंट के द्वारा यहाँ डिनोट किया है. सबसे पहले पॉइंट ए,
यानी सरकारी विभागीय उपक्रमों की संपत्ति से प्राप्त आय को माइनस किया जाता है एनआई में से। इसके बाद है सरकारी गैर विभागीय उपक्रमों की बचत, इसे भी एनआई में से माइनस किया जाता है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा अंशदान को भी घटाया जाता है एनआई में से, और निगम लाभ कर को भी एनआई में से घटाया जाता है पीआई को प्राप्त करने के लिए। और एनआई में जोड़ा जाता है राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को, और साथ ही साथ बिजनेस गवर्नमेंट फॉरेन ट्रांसफर पेमेंट्स अर्थात व्यावसायिक सरकारी और विदेशी हस्तांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान होते हैं जो व्यक्ति को उस समय प्राप्त होते हैं जिस समय वह उत्पादन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का योगदान प्रदान नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एनआई में से हम कुछ मदों को घटा देते हैं और कुछ मदों को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं या कहें कि जोड़ देते हैं, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वह पर्सनल इनकम कहलाती है। पर्सनल इनकम प्राप्त करने के पश्चात हम अगले कंपोनेंट पे जाते हैं, दैट इज पीडीआई। पीडीआई मीन्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अर्थात व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय, यानी जो पीआई व्यक्ति ने अर्जित की है उस संपूर्ण पीआई को व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता है, बल्कि खर्च करने योग्य आय को ज्ञात करने के लिए हमें पीआई में से कुछ घटाना होगा। अब क्या घटाना है वो देखिए कि सबसे पहले तो हमें इसमें से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर अर्थात पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। इसी प्रकार जो सरकारी प्राप्तियां एक व्यक्ति को हुई है उन्हें भी इसमें से घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद जो शेष फल बचता है वह कहलाता है पीडीआई अर्थात पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत खर्च योग्य आय है वह उसकी पीडीई नहीं होती है अर्थात पर्सनल डिस्पोजेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। पर्सनल डिस्पोजेबल एक्सपेंडिचर मीन्स व्यक्तिगत खर्च करने योग्य व्यय। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय को पूरी की पूरी को व्यय नहीं कर सकता है, बल्कि ऐसा करने के लिए उसे फिर कुछ इसमें से घटाना होगा, माइनस करना होगा। वो क्या है? वो है पीडीई इज इक्वल टू पीडी आई माइनस पी एस, दैट मीन्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से पर्सनल सेविंग्स को घटाने के बाद जो अमाउंट शेष बचता है वही अमाउंट पर्सनल डिस्पोजेबल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत खर्च योग्य व्यय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंत में आ जाता है पीसीआई पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दिया जाता है, और राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अहम चर होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं ये। इन्हीं चरों के आधार पर किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का वह विकसित है या विकासशील है इस चीज का निर्धारण किया जाता है। आइए अब एक छोटे से डायग्राम की सहायता से हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में जो रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं शुरुआत करती हूँ जीएनपी एट मार्केट प्राइस से। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से यदि हम एनएफआईए को माइनस कर देते हैं तो एनएफआईए को घटाने पर हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो वैल्यू कहलाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ध्यान दीजिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएफआईए बराबर बच जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी तरह अगर हम इधर दाहिनी ओर चलते हैं तो आप देखिए कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से यदि माइनस नेट आईटी अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाए तो जो शेष पर बचता है वह जीएनपी एट फैक्टर कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इस जीएनपी एट फैक्टर कोस्ट में से अगर एनएफआईए को माइनस कर दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाती है जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट अर्थात साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन। यदि इस जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट में से माइनस डी मीन्स माइनस सीसीए अर्थात कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को अगर माइनस कर दिया जाता है जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट में से तो हमें प्राप्त हो जाती है एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट। इसी तरह हम यहाँ बाईं ओर चलना शुरू करते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से यदि सीसीए को माइनस कर दिया जाए तो जो शेष पर बचता है वह एनएनपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से यदि एनएफआईए को माइनस कर दिया जाए तो जो शेष पर बचता है वह एनडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर दिया हुआ है और उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस याद करना है तो इसमें से सीसीए को घटा दिया जाता है।
इधर एनएनपी एट मार्केट प्राइस से अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट आई अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना होता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से। ऐसा करने पर जो अमाउंट बचेगा वह एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि नेशनल इनकम के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन कंपोनेंट्स की स्टडी करना हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन डिफरेंट इक्वेशंस की सहायता से हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।